एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एमसी इनसेन ने अपना अगला गाना ड्रॉप कर दिया है, द फील एल्बम का नेक्स्ट ट्रैक। गाने का नाम है हर्ट मी और 4 घंटा पहले गाना आउट हुआ है, 20,000 के आसपास व्यू है। तो इसके पहले मैंने एमसी इनसेन के दो और गाने जो फील एल्बम के थे, दोनों पे रिएक्ट किया था और उस दोनों गानों को मैं लूप में सुन रहा हूं। बहुत न्यू साउंड, बहुत डिफरेंट साउंड। एक चीज है कि अभी इंडिया में लाइक रैपर बहुत सिमिलर साउंड करते थे, बहुत कम रैपर है जो एक अलग टाइप का म्यूजिक लेके आ रहे हैं, अलग टाइप का साउंड लेके आ रहे हैं। एमसी स्टैन एक है, लोका एक है, एमसी इनसेन है और भी दो चार रैपर है। सो शाउट आउट एमसी इनसेन, ही इज ब्रिंगिंग समथिंग न्यू जो मदेसी हिप हॉप में बहुत कम हो रहा है। अगर तुम एमसी इनसेन के फैन हो, अगर तुम इस टाइप के न्यू स्कूल साउंड पसंद करते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर तुम्हें पसंद आएगा वीडियो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगे, हम बहुत चीजों पर बात करेंगे। ऑटोट्यून कैसा है गाने पे, गाने की मिक्सिंग मास्टरिंग कैसी है, लिरिकल गाना कैसा है, सारे एस्पेक्ट्स को डिग करेंगे एंड देखेंगे गाना कैसा है। सो जरा पासिंग करते हैं स्ट्रेट, वॉच द सॉन्ग एंड सी एवरीथिंग, लेट्स गो। वीडियो की मैंने बात करी थी ना, वीडियो बहुत क्रेजी होता है भाई का, कलर ग्रेडिंग टॉप नॉच। बहुत सही कैमरा वर्क अभी तक, एंड आई कैन फील द ऑटो ट्यून वोकल्स गोइंग ऑन, लेट्स गो। कभी आके यारा चेहरा मेरा दे, जो है दिल में वही दिखता इस पे दे। एक मिनट देखो, बाकी दो ट्रैक थे ना वो बहुत सिमिलर साउंड कर रहे थे, लाइक साउंड वाइज दोनों न्यू स्कूल साउंड था, लाइक बहुत मतलब बाकी अगर हम वैसे मैंने बोला कि हम बाकी रैपर से कंपेयर करें तो दैट वाज वेरी न्यू साउंड टू DHH, पर अगर उन दोनों ट्रैक से हम इसको कंपेयर करें, दिस साउंड्स वेरी डिफरेंट। थोड़ा मंबल टाइप का साउंड है इसमें और वो थोड़ा अलग साउंड कर रहा है बाकी दोनों ट्रैक से। ओके ओके लेट्स गो। जो है दिल में वही दिखता इस पे दे, फेक लव फेक होप दोस्त मेरे दोस्त, ये इमोशंस करते हर्ट मेरे को। अच्छा, मेरे पापा मेरे कंबल बने सर्दी में देने को। एक चीज है कि ये अपने मम्मी पापा के बारे में बहुत बात करते हैं, पिछला ट्रैक में भी था, स्टार्ट हुआ था मेरी मम्मी को नहीं समझ आता हिप हॉप, और यहाँ पे मेरे पापा की बात कर रहे हो। ओके ओके ओके, सो पापा इनके कंबल बने सर्दी में, सर इनके पापा इनको सपोर्ट किया। ओके, मेरे कंबल बने सर्दी में देने को, एक लाइफस्टाइल खुद जले वो गर्मी में, करना प्रूफ बस एक मौका दो मेरे को, ये इमोशंस करते हर्ट मेरे को, पहले था मैं उनका बच्चा अब वो पूछे नहीं, मैं नहीं कर पाया जो चाहे वो मैं क्या करूं, सिर्फ डॉक्टर्स या इंजीनियर्स होते ऊंचे नहीं, शर्म आती उनको जब मैं कहता रैप। ये जो बात है ना, ये जो बात भाई बोल रहा है ना, ये सिर्फ भाई के घर पे नहीं होती है, ये हर जगह पे होती है। उनके माँ बाप चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, और भाई वही बोलते हैं कि सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर इज नॉट अ थिंग, उसके अलावा भी कुछ होते हैं, रैपर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। मैंने भी एक गाना बनाया था लेटर टू सोसाइटी नाम है गाना का, अगर तुम सर्च करोगे तो, या फिर अगर तुम मेरे चैनल पे जाओगे तो नीचे तो बहुत पहले मिलेगा, 3-4 साल पहले, लेटर टू सोसाइटी नाम है, और उस पर मैंने यही क्वेश्चन किया था सोसाइटी को कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना, तुम क्यों चाहते हो कि हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बने। सो भाई ने वो चीज़ याद दिला दी। ओके, मुझसे उम्मीद रखते काफी लोग ये काफी है, मेरे फीलिंग्स मेरे खुद के ऊपर हावी है, मुझे करना था वो जो किसी ने करा नहीं, तभी सबको लगे मुझ में ही खराबी है। Exactly. अगर तुम वो काम करोगे ना जो किसी ने नहीं कराया, तुम अलग रास्ते पे चलोगे तो लोग बोलेंगे तुम्हारे भी, तुम्हारे ऊपर ही कुछ प्रॉब्लम है, तुम में ही कुछ मीन्स कुछ इश्यूज है कि तुम ये चीजें कर रहे हो, बाकी जो लोग कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो, लोग नहीं समझते भाई। सही बात है, को लगे मुझ में ही खराबी है, मैंने उसकी दी हुई यादों को देखा नहीं, उसमें जो था देखा और किसी में देखा नहीं, अकेला नहीं रह पाया तो करता दिल से मिस, पहले सपना था तुम होगी फ्यूचर मिस्टर रिस्क,
काफी अरसा बीता पर आया नहीं फोन कॉल तेरी फोटो। अलग थोड़ा डिफरेंट ऑटो ट्यून करा गया है इसमें, अगर तुम दोनों गानों से कंपेयर करोगे ना ये बहुत डिफरेंट साउंड कर रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। सो नाइस नाइस, भाई ने थोड़ा अलग ट्राई करा, इसमें भी ऑटो ट्यून है पर थोड़ा डिफरेंट साउंड कर रहा है वो। तेरी फोटो रख के देखा करता फोन को, दिल ये टूटा है जला के तेरी फोटो को, दिल है मर चुका आजादी दे दो फोटो को, कभी आके यारा चेहरा मेरा दे, जो है दिल पे वही दिखता इस पे दे, फेक लो फेक हो दोस्त मेरे गोस्त, ये इमोशंस करते हर्ट मेरे को, मेरे पापा मेरे कंबल बने सर्दी। एक बात बताओ, तुम लोग को लगता है कि he should get signed to हिंदी रिकॉर्ड्स? अगर लगता है do let me know, क्योंकि भाई MC Stan से बहुत वाइब मिलती है और मुझे लगता है कि अगर MC Stan कभी साइन करेंगे आर्टिस्ट को, he should get signed to हिंदी रिकॉर्ड्स। Do let me know in the comment। देने को एक लाइफस्टाइल खुद जले वो गर्मी में, करना प्रूफ बस एक मौका दो मेरे को, ये इमोशंस कर दे हर मेरे को। What is cold? बहुत सही सिनेमेटोग्राफी है। I met your God, now he's my friend, okay? It's human. कोई नहीं भाई अभी गरीब, फिर भी ये खुश अच्छा नसीब, बनाने से होता पर मैं ज्यादा रोता, देखा सभी को नहीं होता भरोसा, तो सभी को देखा और सीखा, जो देखा वो लिखा, ये मेरा तरीका, सुनाते हैं बात कोई मीठा कोई तीखा, ये फालतू की कीका, ये पता जितना मैं चाहता कोई जा भी नहीं सकता, जितना मैं रोया कोई रो भी नहीं सकता, रहता है पास जब रहता है पैसा, जो करता है जैसा वो सहता है पैसा, लोगों के जहन में क्यों मेरा कचरा, रैप के पूछने पे कहते हैं लफड़ा, यानी कि बीफ, ये कैसे भाई गलत सोच फैलाए, वीडियो में जॉर्डन्स ये दूसरों का लाते, खुद का बचाते ये दूसरों का खाते, असली को ये आगे जाने नहीं देते, हारने का दम नहीं तो मारने की प्लानिंग है, फिर से करो प्लानिंग, ये वाला फेल नहीं करते इज्जत चुकी डिग्री फेल, सर झुकता घर का जब लेते मेरा नाम, सब होगा ठीक मैं कर रहा वो काम, मत कर स्लोमो चीते सब भाग, मत सोच कौन देगा चीते को आग, मत सुना कुछ। गाना सडनली चेंज हो गया है और फ्लो थोड़े फास्ट हो गई है, आई एम लाइकिंग इट, लेट्स गो। ये दुनिया नहीं समझेगी जिंदगी इनकी, बस चलन में गुजरेगी, इंटरनेट यूज करते मेरे को यूज करते, इंटरनेट सोल्जर्स की मेरे को चूज करते, पता है सबको ये कौन कितना पानी में, जी सिटी का भाई ये सच्ची कहानी, आज भी मैं जी सिटी गुवाहाटी सिटी, ठीक है आई थिंक, प्लीज करेक्ट मी, एंड भाई अपने आसाम से है तो शाउट आउट टू नॉर्थ ईस्ट एज वेल, इफ यू आर फ्रॉम आसाम डू लेट मी नो इन द कमेंट, लेट्स गो। कोई हूं मेरी जगह सही हूं, पहले जैसे नहीं है तू, तेरी जगह नहीं है तू, जान अगर होती तो जान देता, सोचती तू जैसा हूं वैसा तो नहीं, मैं सोया था मैं भी उस प्यार की अदालत में, सब कुछ कह डाला चेहरे की हालत ने, कोशिश थी मेरी की रहना साथ, नहीं छूना था जिसम बस कहनी थी बात, बदलते सब एक महीने के बाद, सच्चा वाला प्यार है नहीं कहने की बात, मतलब सब यहाँ सब करे जज दिखाते हैं जो। देखो मैं बोल रहा था ना बहुत डिफरेंट साउंड कर रहा है, अब ये हाफ में जो गाना ट्रांजिशन हुआ ना उसके बाद से नाउ दिस इज साउंडिंग सिमिलर टू पहला फील मी और ट्रस्ट मी टाइप का थोड़ा साउंड कर रहा है, इसके पहले बहुत अलग साउंड कर रहा था, ये ट्रांजिशन के बाद थोड़ा डिफरेंट साउंड करने लगा है। चुपाते ये सच पैसों को रखता मैं भाई लोग से नीचे, भाई लोग ही जलते हैं सब करे हर्ट, भाई लोग ही जलते हैं सब करे हर्ट, भाई लोग ही जलते हैं सब करे हर्ट, हां सब करे हर्ट, किसी पे ट्रस्ट नहीं, सब करे हर्ट। भाई की एक्टिंग चेक करो, भाई की एक्टिंग चेक करो, बहुत सही काम करा गया, लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके तुम कैसे एक हाई क्वालिटी म्यूजिक वीडियो बनाते हो, सीखो भाई से, ऐसा नहीं है कि टी सीरीज की टाइप की या फिर बहुत बड़े लेवल टाइप की म्यूजिक वीडियो शूट हो रही है, भाई ने सब कुछ अरेंज करा होगा, भाई की टीम ने सब कुछ अरेंज करा होगा, उसके हिसाब से पूरा वीडियो शूट करा है, एंड दिस लुक्स सो गुड सो गुड। चेंजेस आ रहे हैं इंडियन हिप हॉप में।
आर्टिस्ट गाना बनाते हैं, जैसे हो गया तुम्हारा लिल टीजे हो गया, उसके बाद ट्रेविस स्कॉट हो गया, लिल बेबी, उस टाइप की थोड़ी मुझे वाइब आ रही है, लाइक बाहर के रैपर की वाइब आ रही है, दिस इज वेरी न्यू इन इंडियन हिप हॉप, मैं इसी की बात कर रहा था भाई। बहुत सही, बहुत सही। ओके, दिस वाज एमसी इनसेन हर्ट मी, और मैंने जो मुझे समझ आया मैंने बोल दिया गाने में, ठीक है। दिस इज लाइक अ रिवॉल्यूशन इन इंडियन हिप हॉप, इन देसी हिप हॉप, इस टाइप के गाने, इस टाइप का म्यूजिक, इस टाइप की साउंड हमें और चाहिए, और आर्टिस्ट से चाहिए, एंड एमसी इनसेन इज डूइंग क्रेजी भाई, इज लाइक ही इज द फ्यूचर, मैंने बोला बहुत पहले भी बोला है, ही इज द फ्यूचर ऑफ देसी हिप हॉप सीन, ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन न्यू स्कूल, देसी हिप हॉप न्यू स्कूल, और बहुत कम आर्टिस्ट जो ये काम कर रहे हैं, एंड ही इज अमंग वन ऑफ देम एंड ही इज किलिंग इट। गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बीट बहुत क्रेजी थे, ट्रांजिशन बीच में, वीडियो बहुत बहुत मजा आया, बहुत सही था, ऑटोट्यून थोड़ा डिफरेंट साउंड कर रहा था इसमें, विच सरप्राइज मी, और मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर हर गाने में तुम सेम टाइप का ऑटोट्यून यूज करोगे, सेम टाइप के ऑटोट्यून वोकल यूज करोगे, तो थोड़ा सा एक सेम साउंड आ जाता है, पर थोड़ा भाई ने चेंजेस लाए साउंड में भी, सो विच वॉज गुड। सो दिस वॉज माई रिएक्शन, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर तुम एमसी इनसेन के फैन हो, अगर तुम्हें ये रिएक्शन पसंद आया, और डू लेट मी नो इन द कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, को सपोर्ट करो, और भी इस चैनल पे बहुत सारे हिप हॉप रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।